हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? यस, गुड इवनिंग एवरीवन। बता दो भाई, मेरी आवाज आ रही है क्या सभी लोगों को? ओके। चलिए, थोड़ा सा अंधेरा है, थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं इसको। अभी जस्ट लाइट का इंप्रूव कर देते हैं, थोड़ा सा लाइट फोकस इंप्रूव हो रहा है। चलिए, कैसे हैं सभी लोग? कैसे हैं, तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन चैंपियंस? काफी दिन बाद मिलना हुआ है। यस, क्या मेरी आवाज और क्या मैं क्लियर दिख रहा हूं? आज हम यहां पर मिशन जीपैट 2023 फार्मा प्रैक्टिस पेपर पार्ट टू को लेकर आए हैं, जहां पर क्वेश्चंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन के एनालिसिस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सो चलिए, सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? बहुत बढ़िया। सो क्या रेडी हैं सभी लोग क्लास के लिए? रेडी है, जल्दी से बताएंगे। देखिए, यहां पर आज मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। फार्मा प्रैक्टिस पेपर एक ऐसी सीरीज है जहां पर मिसलेनियस सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। फार्माकोलॉजी से भी हो सकता है, कोग्नोसी से भी, केमिस्ट्री से भी और सूटेक्स से भी होगा। सो यहां पर चलिए, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, विच इज नॉट एन एंटी प्लेटलेट ड्रग। इनमें से कौन सी एंटी प्लेटलेट ड्रग नहीं है? एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, स्ट्रेप्टोकाइनेस और टिक्लोपिडीन। यहां पर सिंपल सी बात, फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया है, कौन सा नहीं है। सिंपल सी बात मैं क्लियर करूंगा, फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कौन सा क्वेश्चन कौन सा है और यह किस क्लासिफिकेशन की यह ड्रग है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। सो विच इज द करेक्ट आंसर, मैं सिंपल सी बात करूंगा, हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेज एंटी प्लेटलेट्स ड्रग में नहीं आता है। क्यों, यहां पर याद रखिएगा। देखिए, दिस इज द गिवन इन द कमेंट, मैं यहां पर क्लियर करूंगा ये एक्सप्लेनेशन में। जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो आपका थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट में आता है, फिब्रिनोलाइटिक में, ठीक है, और क्लोपिडोग्रेल, टिक्लोपिडीन एंड प्रासिग्यूरल आपका P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरीके से कि थ्रोम्बोन से थ्रोम्बोक्सेन सिंथेसिस इनहिबिटर। अगर मैं यहीं पर एक बात बता दूं एस्पिरिन से रिलेटेड, देखिए एस्पिरिन का एक क्वेश्चन आया था 2022 में, यहां पर क्लियर करूंगा कि रेज सिंड्रोम कौन सी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट है। रेज सिंड्रोम तो याद रखिएगा एस्पिरिन का है, ठीक है, एस्पिरिन का है, याद रखिएगा। मैं यहां पर दो तीन चीजें और बता दूं, ठीक है। एक और होता है रेडमैन सिंड्रोम, इसी से मिलता जुलता रेडमैन सिंड्रोम, लिख लीजिएगा, इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। वेंकोमाइसिन, ठीक है, वेंकोमाइसिन का रेडमैन सिंड्रोम होता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, चूज द राइट कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा शायद यहां पर आंसर आ जा रहा है, बट यहां पर राइट कॉम्बिनेशन आपको मतलब तीन इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन बताने हैं, क्विनीन एंटी मलेरियल आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड, रेसरपीन एंटी हाइपरटेंसिव इंडोल एल्कलॉइड, क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी स्टोमेटल नंबर मिर, पामिटिक एसिड, सेलिसिलिक एसिड, फैटी एसिड। देखिए, क्विनीन हमारा क्या है, सिंपल सी बात क्लियर करिएगा, विच इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रेसरपीन। देखिए, रॉ वोल्फिया से हमें रेसरपीन मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉ वोल्फिया को हम क्या बोलते हैं, मैं सिंपल सी बात करूंगा, रॉ वोल्फिया को हम बोलते हैं छोटा चांद के नाम से हम इसको जानते हैं, या सर्प गंधा के नाम से भी जानते हैं। रेसरपीन हमें इससे मिलता है, जिसका एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन है और इंडोल एल्कलॉइड कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया रमेश, हेलो एवरीवन, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर दिया गया है केमिकल टेस्ट, देखिए सिंकोना से हमें क्विनीन मिलता है, सिंपल सी बात मैं क्लियर करूंगा, सिंकोना का एक केमिकल टेस्ट होता है, ये सिंकोना के बारे में ही बात हो रही है।
सिंकोना से हमें क्विनीन, क्विनिडीन, सिंकोनीन एंड सिंकोनिडीन मिलता है, और क्विनी सिंकोना के लिए टेस्ट होता है, दैट इज योर थैलियोक्विन टेस्ट, थैलियोक्विन टेस्ट, थैलियोक्विन टेस्ट होता है। थैलियोक्विन टेस्ट में हमें एमराल्ड ग्रीन कलर मिलता है, एमराल्ड ग्रीन कलर लिख लेना, एमराल्ड ग्रीन कलर इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो यहां पर एक इंफॉर्मेशन से तीन चार चीजें हमने पढ़ ली है, और एक और चीज मैं यहां पर बताऊंगा, एमराल्ड ग्रीन कलर और कौन सी ड्रग देती है। याद रखिएगा केवल फार्माकोग्नोसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, फार्माकोग्नोसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दो प्लांट्स आपके क्या देते हैं, एमराल्ड ग्रीन कलर। एमराल्ड ग्रीन कलर सीधी सी बात यहां पर ये जानिएगा, एक दूसरी ड्रग है इस्ट्रोफेंथस, इस्ट्रोफेंथस भी आपका एमराल्ड ग्रीन कलर देता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक ही बॉक्स में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट यहां पर ये ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन है पेरीविंकल इज अ कॉमन नेम फॉर, जल्दी से बताएंगे, यस पेरीविंकल, पेरीविंकल यहां पर देखिए पेरीविंकल का कॉमन नाम पूछा गया था, पेरीविंकल का कॉमन नाम पूछा गया कैथरेंथस रोजियस। पेरीविंकल को जाना नाम से जाना जाता है, सदाबहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सदाबहार के नाम से भी जाना जाता है, कैथरेंथस रोजियस हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहां पर एक दो चीजें मैं नहीं बता दूं। ठीक है, 2018 में डिजिटलिस का क्वेश्चन आया था। देखो बेटा, हम जब लाइव क्लास आपको लेंगे, जब हम आपकी लाइव क्लास भी ले रहे होंगे, तो हम क्वेश्चंस को इसी तरह से पढ़ने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हम हर एक ऑप्शन को जांचेंगे कि ये आंसर क्यों नहीं है। डिजिटलिस क्या है, डिजिटलिस आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, जानिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, मैं यहां पर क्लियर करूंगा, 10 सेशन आपने अटेंड कर लिया, क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन एनालिसिस एबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, 2018 का क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दो भाई साहब इसका। ये नाक को रोकता है, नाक को, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को रोकता है। ठीक है, एक और अच्छी बात मैं यहां पर बता दूं, एट्रोपा बेलाडोना, बेलाडोना के बारे में यहां पर एक चीज अच्छी सी बता दूं, फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड बेलाडोना का नाम डेडली नाइट शेड लीफ के नाम से जाना जाता है, डेडली नाइट शेड लीफ, बताओ ये चीज नहीं पता क्या, डेडली नाइट शेड लीफ क्यों, डेडली नाइट शेड लीफ क्यों, क्योंकि ये रात में चमकता है, रात में चमकता है। क्या बात क्लियर है सभी लोग, यहां पर मुझे क्लियर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताएंगे सभी लोग यहां पर, यस एवरीवन। आज बच्चे कम है, काफी बच्चे कम है, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ते रहेंगे अपन, उसी मेहनत से उसी शिद्दत से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है, हम हर एक चीज को बात करेंगे। यस, कैथरेंथस रोजियस, अब यहां पर दिया गया है जिसको हमने विनका बोला, देखिए विनका का, विनका को कैथरेंथस रोजियस बोला जाता है। ठीक है, मैं यहां पर क्लियर करूंगा, ये हमारा एज एन एंटी कैंसर, एंटी कैंसर में यूज होता है, एंटी कैंसर में, एंटी कैंसर में यूज होता है, क्लियर करूंगा, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इस्ट्रोफेंथस, डायुरेटिक, एंटी एनेमिक, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, एंटी एंजाइनल, आंसर है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। मैं यहां पर क्लियर करूंगा, इस्ट्रोफेंथस हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड में काउंट होता है। रमेश थैंक यू एवरीवन। ठीक है, चलिए चलिए जल्दी से बताएं, यस ओके। सो यहां पर एक चीज समझिएगा, जब भी जीपैट में अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किसी भी तरह का, तो क्वेश्चन में आंसर ना ढूंढे, क्वेश्चन में सबसे पहले रॉन्ग देखें, ए बी सी डी, ए में सीधी सी बात है, मैं यहां पर क्लियर करूंगा, ए बी सी डी चार है। ठीक है, अगर आपने दो के बारे में पढ़ा हुआ है और सी आपका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है, आपको ये पता है ये तो ये नहीं है, ये तो ये नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बोथ ए एंड बी का इवेल्युएशन नहीं आ रहा है, एनालिसिस नहीं बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सी है। क्वेश्चन को हमेशा पहले पढ़ें और उसका आंसर तब निकालें, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, पहले उसको पढ़ें जरूर। ठीक है, चलिए मैं यहां पर क्लियर करूंगा, इस्ट्रोफेंथस, इस्ट्रोफेंथस हमें कहां से मिलता है, इस्ट्रोफेंथस कॉम्बी से, एपोसाइनेसी फैमिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्रग, अगेन अ क्वेश्चन, यहां पर कैप्टोप्रिल आंसर है। देखिए मैंने जल्दी बताया, क्यों बताया,
2018 में क्वेश्चन आया, 2018 में आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी भी बताऊंगा। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रो ड्रग, मतलब सीधी सी बात है प्रो ड्रग क्या होती है, प्रो ड्रग क्या होती है, व्हाट इज प्रो ड्रग, सीधी सी बात समझिएगा, प्रो ड्रग मतलब अंदर जाके एक्टिव हो रही है, अंदर जाके एक्टिव हो रही है, तो कौन में से कौन सी नहीं है, कैप्टोप्रिल नहीं है, मतलब एनोराप्रिल है, बेंजोप्रिल है, रेमेप्रिल है। तो यहां पर याद रखिएगा कैप्टोप्रिल के बारे में, यहां पर सीधी सी बात सारी चीजें यहां पर देखो 2018 मेंशन भी किया है, 2018 ठीक है, क्वेश्चन आया था ड्राई कफ, ड्राई कफ, ड्राई कफ, ड्राई कफ इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ, ड्राई कफ किसका एडवर्स इफेक्ट है, हमारा कैप्टोप्रिल का। और ये सही किसकी वजह से किया जाता है, ये सही किसकी वजह से किया जाता है, सिंपल सी बात है, ड्राई कफ को आप आयरन सप्लीमेंट से सही कर सकते हो, एस्पिरिन देने से सही कर सकते हो, बात को क्लियर करिएगा। उसके बाद ए एंजियोडीमा करता है, पी प्रोड्रग है, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल, टेस्ट डिस्टर्बेंस है ठीक है, और ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेंसिस, इंक्रीज पोटेशियम हाइपरकैलेमिया करता है और लोअर द फॉर्मेशन ऑफ एंजियो 2। द पॉइंट इज क्लियर, सभी लोग यहां पर क्लियर करेंगे, जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में, यस एवरीवन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सभी को क्लियर हुआ जी, यस ओके। अमरेश कुमार, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग, एक्सीलेंट अमरेश, लिनोप्रिल लिसिनोप्रिल एंड कैप्टोप्रिल, पुष्पेंद्र लोडी, इनएक्टिव बिफोर इनटेक, बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है, जल्दी से स्माइल दे दे चैंपियंस, यस अरिनंदम सरकार, अनुज प्रजापति, गुलशन कुमार मिश्रा, ओके बहुत बढ़िया, चलिए बहुत ही सागर, चलिए नेक्स्ट यहां पर आगे बात करते हैं, यस अर्जुना 2.0, एक खास बात यहां पर हम बता दें आपको, अर्जुना 2.0 अगस्त बैच शुरू कर दिया गया है, इसके एडमिशन 1 अगस्त से शुरू हो गए हैं, मैं यहां पर क्लियर करूंगा, 1 अगस्त से शुरू हो गए हैं, जो बच्चे जीपैट 2023 और 24 की तैयारी कर रहे हैं, देखिए दो बैच यहां पर इस बार रिलीज किए गए हैं 2023 के लिए भी और 2024 के लिए, अगर आप 2024 में हैं तो 2024 में अगर जीपैट 2024 देंगे तो आप 2 ईयर में एनरोल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको मिलने वाले हैं इस बार, इसमें 13 हार्ड कॉपी मॉड्यूल्स, अगर किसी को कोई भी क्वेरी है फार्मेसी इंडिया की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और विजिट करें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पे, जाकर वहां पर सारी चीजें आप देख सकते हैं ठीक है। इस बार यहां पर तैयारी करने वाले हैं जीत की, यस बहुत बढ़िया, अनुज प्रजापति मैंने ले रखा है ठीक है, चलिए सभी लोगों को क्लियर है, अर्जुना 2.0 अर्जुना यहां पर एडमिशन ओपन हो गए हैं। और एक बहुत बड़ा डाउट है कि सर अगस्त आ चुका है क्या सिलेबस पूरा हो जाएगा, इसकी एश्योरिटी हम लेते हैं विद रिवीजन हम लोग बात करेंगे ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, यहां पर जल्दी से आंसर, ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ जिलेटिन, ब्लूम स्ट्रेंथ किसकी क्वालिटी, यहां पर सिंपल सी बात है कैप्सूल से क्वेश्चन बना है क्या, अरे सॉरी थोड़ा सा इसमें एनिमेशन आ गया है, आज एनिमेशन आ गया है, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है पीपीटी, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, यहां पर मैं बता दूंगा ब्लूम स्ट्रेंथ, ब्लूम स्ट्रेंथ क्या करता है, देखिए ब्लूम स्ट्रेंथ हमारा जिलेटिन से रिलेटेड है, देखो कितनी अच्छी कहानी है, मैं यहां पर पूरी बात बताऊंगा। एक गोलू भाई साहब थे, गोलू भाई साहब थे, उनके पास जिलेटिन, वो जिलेटिन चुरा कर ले आए, वो जिलेटिन चुरा कर ले आए, और जिलेटिन अब चुरा के ले आए तो गोलू भाई साहब को ये नहीं पता लगा कि ये क्या बला है, क्या बला है, परेशान हो जाओगे। तो सबसे पहले जिलेटिन ने क्या बोला कि तुझे पता है मैं ब्लूम स्ट्रेंथ, सिंपल सी बात यहां पर समझिएगा, मैं ब्लूम स्ट्रेंथ को भी डिनोट करती हूं, ब्लूम स्ट्रेंथ क्या करता है, ब्लूम स्ट्रेंथ कोहेसिवनेस जिलेटिन की बताता है, कोहेसिवनेस COHESI स्पेलिंग देख लेना कोहेसिवनेस। दूसरा कि 150 से 250 ग्राम मेरी एक आइडियल वैल्यू है, मेरी एक आइडियल वैल्यू है। गोलू घबरा गया,
गोलू ने सिंपल सी बात, गोलू ने फिर गोलू को एक और बात पता लगी कि भाई इसकी विस्कोसिटी तो, इसकी विस्कोसिटी तो 25 से 45 मिलीपॉइज क्या है, आइडियल है। दो बात पता लगी ठीक है। तीसरी कि भाई साहब इसमें जो आयरन कंटेंट होगा वो 15 ppm से ज्यादा नहीं होगा। बताओ 15 ppm से ज्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन 15 ppm। तो गोलू और डर गया। एक और बात बताएं, यहां पर गोलू को ये पता ही नहीं था कि जिलेटिन के दो भाई हैं, जिलेटिन टाइप बी, जिसमें टाइप बी का दूसरा नाम, और कि ये टाइप बी क्या कहां से आता है, ये आता है ग्रीन बोन से। क्या बात क्लियर है, आया कि नहीं समझ में? देखो कितनी सारी बातें पता लग गई, हाँ कि ना, जल्दी से क्लियर करिएगा। यस, पहली बात मैंने यहां पर क्या की, क्या करता है कोहेसिवनेस, ठीक है, 150 से 250 ग्राम क्या है, आइडियल है। विस्कोसिटी 25 से 45 मिलीपॉइज, नॉट मोर देन 15 ppm कंटेंट, दो तरह का रहता है, टाइप ए टाइप बी, जिसमें टाइप बी को हम बोलते हैं ग्रीन बोन्स, क्योंकि ग्रीन बोन्स इज द सोर्स। पॉइंट क्लियर है, मजा आ गया ट्रिक देखकर। यही बात हम पढ़ने वाले हैं, यही बात। अच्छा, कल वीडियो देखी आप लोगों ने, यूट्यूब शॉर्ट्स देखा आपने, कैप्सूल का मैंने बताया था, यस और नो, कैप्सूल का यूट्यूब का शॉर्ट जरूर देखना। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, यहां पर जल्दी से आंसर होगा इसका, फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन बात करेंगे। देखो सिंपल सी बात, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट रूल्स द शेड्यूल इज रिलेटिंग टू द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, कि कौन सा शेड्यूल हमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस बताता है, सिंपल सी बात, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मतलब तो शेड्यूल एम में रहता है, ठीक है। अब मैं यहां पर एक क्लियर करूंगा, व्हाट इज योर शेड्यूल सी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाए चैंपियंस। देखो सीधी सी बात है, यहां पर आप इस सेशन को कितना पसंद कर रहे हैं वो आपके लाइक से पता लग जाएगा। मैं आप लोगों के लिए सेशन लेने के लिए तैयार हूं, पर मुझे यहां पर जितने बच्चे हैं उतने लाइक्स, उससे डबल लाइक्स चाहिए भाई, 100+ लाइव होंगे तभी मैं सेशन लूंगा आगे भी, ठीक है। जल्दी से क्लियर करो, यस एवरीवन, जल्दी से क्लियर करिए, गुड मैरिट। तो शेड्यूल वाई क्या करता है, क्लिनिकल ट्रायल से याद रखना, एनिमल वाला, ठीक है। शेड्यूल एच प्रेस्क्राइब्ड ड्रग। शेड्यूल सी क्या करता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बहुत ही उम्दा। चलिए आंसर यहां पर, विच इज इन नॉट इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सेबल एंटीकोलिनेस्ट्रेस ड्रग। देखो आंसर दिख गया होगा, फिर से फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन से आंसर बना, फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन से आंसर बना, ठीक है। फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन इज मोर देन इंपॉर्टेंट, पढ़नी है, ठीक है। शुरुआत से शुरू करो, एएनएस से शुरू करो, पॉइंट क्लियर है। चलिए तो यहां पर कौन सा नहीं है, मेलाथियोन नहीं है। तो अब यहां पर इसका मतलब ये सब है नियोस्टिग्मीन, पाइरिडोस्टिग्मीन, एड्रोफोनियम हमारे हैं, ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। अब इसके बाद में यहां पर क्लियर करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिडोकोइन इज अंडर द क्लास ऑफ किसके, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर हम लोग जल्दी से क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू हो रहा है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, आंधी तूफान भी बहुत, मतलब हवा बहुत तेज चल रही है, और हमारे सर्वर रूम का थोड़ा सा वाईफाई कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा लूज हो रहा है, ठीक है। अगर हम यही क्लास कल कंटिन्यू करें प्लीज लेट मी नो, ठीक है। आई विल कंटिन्यू दिस पार्ट इन द सेकेंड क्लास, ठीक है। थोड़ा सा इशू सॉल्व कर ले, टीम का मैसेज आया हुआ है हमें, ठीक है, कि सर थोड़ा सा इशू आ रहा है। हम कल इसी समय पे 9 बजे कनेक्ट करते हैं,
9 बजे कनेक्ट करें और आप लोग जुड़े रहिए। मैं सिंपल सी बात क्लियर करूंगा, फार्मेसी इंडिया पे, फार्मेसी इंडिया के चैनल्स पर कुछ इस तरीके की चीजें आने वाली हैं जिससे आपको बहुत, मतलब फार्मेसी इंडिया एक ऐसी सीरीज लेकर आ रहा है जीपैड के लिए जो हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और जिस बच्चे ने अभी तक एनरोल नहीं किया वो भी एनरोल कर सकता है अर्जुना के बैच में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। देखो सिंपल सी बात, यहाँ पर मैं आपको कनेक्ट कर, अगर किसी का कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके या मैसेज कर 8006781759 जो पहली बार हमें देख रहे हैं वो इस नंबर पर पी इंडिया लिखकर भेज दें तो आपको फार्मेसी इंडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स, न्यूज, नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर फार्मा सेक्टर्स, ठीक है, वहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं। एंड आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गए हैं सारे डाउट्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कंटिन्यू करेंगे इसी पार्ट से, थोड़ा सा डिसकनेक्टिविटी है, ठीक है, पर हर एक क्वेश्चन को, मेरा दावा है यहां पर जाते जाते यही बोलूंगा, मेरा दावा है हर एक क्वेश्चन में से 4 आंसर निकालेंगे, 4 चीजें नहीं पढ़ेंगे और इसी तरीके से थ्योरी क्लास में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। किसी का कोई भी क्वेरी है तो मैसेज भी कर सकते हैं आप। थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।